से अनभिज्ञ थे, उनके लिए सब कुछ नया था, और इसी कारण से कई चरणों पर उनके द्वारा मामूली भूल होते रही, मानवीय भूल ही कह सकते हैं। अब परीक्षा देने जा रहे हैं, अपना अप्लाई किए हैं, उसमें एप्लीकेशन में अपना फ़ोटो भी गलत डाल दिया, कभी साइबर कैफे की गलती हो गई, डॉक्यूमेंट गलत डाल दिया, OMR जब एग्ज़ाम में गए तो परीक्षा के टेंशन में रोल नंबर गलत लिख दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत लिख दिया, क्वेश्चन सीरीज गलत लिख दिया, कई तरह की गलतियां लोगों ने किया, जिसके कारण से हम लोगों ने सुधार के लिए भी उनको कई अवसरों पर मौका दिया, कुछ हम लोगों ने खुद भी क्रॉस वेरीफाई किया। सब चीज़ों पर काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी लोगों कठिनाई भी होती है, तो इस बार हम लोगों ने कहा कि अब तो वो लोग अनुभवी हो गए हैं, तो इस बार हम लोगों ने जो एक कट ऑफ डेट दिया है, उस डेट के बाद हम कोई भी परिवर्तन करने का, जैसे आवेदन में कोई भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, कोई परिवर्तन करने का कोई मौका, अतिरिक्त मौका मतलब, उस कट ऑफ डेट के बाद नहीं देंगे। तो मिसाइल को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहा है, और कई बार कई अभ्यर्थियों ने दिखाया कि पहले तो इस तरह का नियम निकला था कि जो अस्थाई निवासी हो और निवासी हो, उसको लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। देखिए, ये तो सरकार की नीति की बात है, इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सरकार की जो नीति थी, सरकार ने अपनी उस नीति को परिवर्तित किया। मैं समझता हूँ कि जो भी कानून और संविधान को जानते हैं वो बेशक समझ सकते हैं कि सरकार ने जो किया वो सही ही किया। सर, एक आखिरी सवाल, सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभ्यर्थी, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है इतने बड़े पैमाने पर एक साथ बहाली होना, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जिस ईमानदारी के साथ और जिस तत्परता के साथ हम लोगों ने यह काम किया, तो मैं जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उन लोगों से कहूंगा कि भाई वो लोग इधर उधर के बहकावे में ना आएं और वो अपना दिमाग लगाएं, अपना पढ़ाई करें, और निश्चित तौर पर वो सफल होंगे। और एक दूसरी ये भी बात कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बायोमेट्रिक का विशेष रूप से इस्तेमाल किया, और हम लोग हर बार कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, जो आप लोग को उसी समय पता चलेगा। तो मैं कहूँगा कि जो मुन्ना भाई लोग जो हैं, जो ये सोच करके जाने की करे चले इस बार बीट कर देंगे, तो उन्हें भी थोड़ी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी ज़्यादा, और मेरा हम लोग का प्रयास रहेगा कि अगले बार भी कदाचार मुक्त परीक्षा दें।